अनुसली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत के इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मान्य मुख्य अतिथि, शिक्षक, माता पिता और मेरे सभी प्रिय मित्र, आप सबको मेरा सलाम और आदाब। मैं देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। आजादी, आजादी का मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो विशाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए तो रंग बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और अंग्रेजी शासकों की जरों में तूफान ला देते थे। लोग मर जाते, मिट जाते, फांसी के फंदे पर चढ़ जाते थे तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। और बहुत सारे युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की कई बूटियां चली गई, तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने, मिट जाने, फांसी के फंदे पर चढ़ जाने को कहता था। बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे ना, वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। और यदि आप कहें कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी फुटपाथ पे रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छाव में नंगे पांव जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या इसे आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं न शिवालों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं न शिवालों को जानते हैं, जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के लिए कुर्बान होना देशभक्ति है। और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान हमारी सच्ची देशभक्ति है, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और यही कब्रिस्तान तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब आहट होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को घर की चौखट पर छोड़ आता है। कराह उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपने लाइक बढ़ाने में लगे रहते हैं। न बात मेरी है न अंदाज मेरा है, न बात मेरी है न अंदाज मेरा है, और न ही ये बड़ा सा नाम मेरा है, बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे, बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी हमारे समाज में मुझे नजर आती है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं मुस्लिम, सिख, ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि अब इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की जरूरत है, न हिंदू की जरूरत
जरूरत है। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगी सरहद पर खड़े हर उस जवान को, इस देश की पुलिस प्रशासन और किसान को, जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। और आज इस मंच पर पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं भारत की बेटी ये कहती हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सभी, मैं, आप, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है आगे ले जाने की, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन दुश्मन भी जय हिंद कहेगा। दुश्मन ही क्यों, पूरा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। वमा अलैना इल्लल बलाग।